इसका रेट लिया मैंने, तो सुनने में आया है उड़ती उड़ती खबर है। हम कश्मीर गए थे, वहाँ पे मैंने पहली बार ट्राई किया था कश्मीरी कहवा, और पिया भाई, पी के मज़ा आ गया मेरे को। तो तब से मेरे को ये और रखा, कहीं पे दिख जाए मैं पीता रहूँ उसको। इसमें तुम्हारी चाय बनेगी ना, कोई ढंग से गर्म होगी, चटनी डलवा लेना, डाल दूँगा। अरे इसके लिए तो मैं बेचैन था बड़ा। चलो तोड़ो, जल्दी तोड़ो, तोड़ो फटाफट, गर्म होगी। कभी भी ट्रेड फेयर आओ, ये आइकॉनिक चीज़ है भाई, ट्रेड फेयर की आइकॉनिक चीज़ है ये। टेस्ट करके पता चलेगा ना, खुशबू से पता चलता है, खुशबू से। चटनी डाल देना जरा, लिमट डलवाना, थोड़ी सी डाल दो। अरे इनका मजा आता था खाने में? नहीं, मुझे नहीं खानी आती। ठीक है ना, हार्दिक स्वागत है। बालों के लिए अच्छा है। लेदर शूज एंड एक्सेसरीज। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। है
अच्छा ये देखो ऐसा दिखता है। चलो पियो आप, एंजॉय। तुमने पियोगी? नहीं अब नहीं दूंगा, एक सिप तो लूंगी, वो भी नहीं दूंगा। दूंगी ना 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 ना, कश्मीरी कहवा मुझे मिल गया। नहीं भाई एक सिप तो पीऊंगी। लो पियो। अरे वही टेस्ट है भाई, गर्म है काफी पर अच्छा बहुत है। अभी क्या हुआ था, पीछे कुछ टाइम पहले हम कश्मीर गए थे, वहाँ पे मैंने पहली बार ट्राई किया था कश्मीरी कहवा और पिया भाई, पी के मज़ा आ गया मेरे को। तो तब से मेरे को ये रखा, कहीं पे दिख जाए मैं पीता रहूँ उसको, मुझे बहुत पसंद है ये पीने में। और फाइनली आज कश्मीर के हम स्टॉल में आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कश्मीरी कहवा पिया जा रहा है। देखा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी मेरे लिए यहाँ पे मिल जाना, कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि ये जितनी भी स्टॉल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ना, दोबारा इन्होंने बनाए हैं, तो जैसे इनका इनका ट्रेडिशनल जो फूड होता है खुद का, वो चीज़ अब यहाँ पे इन्होंने रखी नहीं है। लेकिन ये कि जैसे टी कहवा वगैरह ये सब है पीने के लिए। हाँ ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है रीज़न भी हो सकता है कि ना गंदगी की वजह से। हाँ, लेकिन इस बार बहुत हाइजीन मतलब साफ सुथरा एकदम। हाँ पहले से इन्होंने बहुत ही चेंजेस कर दिए अच्छे खासे, क्राउड भी अच्छा है और ज़्यादा ना मतलब दौड़ना नहीं पड़ रहा सच्ची बताऊँ। एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक इन्होंने बना रखा। क्राउड भी अच्छा है, हुआ बहुत अच्छा बनाया एकदम। क्राउड अच्छा इसलिए है ना, तुम बिजनेस डेज में आई हो, नॉर्मल डेज में आओगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत अच्छी मिलेगी आपको। क्लीन बहुत है, बिल्कुल साफ सीधे रखी एकदम। चलो मैं इतने ये एंजॉय करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखो कश्मीर से होते हुए हम हिमाचल प्रदेश भी आ गए। अरे ये रहा। देखा कितनी जल्दी ट्रैवलिंग करी हमने। यार इतनी जल्दी ट्रैवलिंग कौन करता है, देखा है ना। देखो अभी भी कावा हाथ में है कश्मीर का। भाई मैं आराम से पी रहा हूँ। अगर आप लोग आते हो ना कश्मीर के, यहाँ पे आना कावा ट्राई करना, अगर नहीं किया तो अच्छा होता है, एक बार ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ गारंटी से मज़ा आ जाएगा। अब घूमेंगे हिमाचल प्रदेश। दर्शकों की सूचना के लिए बता रहे, सूचना के खुशबू से पता चलता है, खुशबू से। हाँ ये वो खुशबू होती है जो सालों से हम ले रहे होते हैं फिर गायब हो जाती है। भाई बिल्कुल गरम गरम दिए एकदम। अरे वाह यार अच्छी है, मुंह ऐसा बना रहे हैं जैसे बेकार है। हाँ हाँ मुँह, ये खुशी का मुँह है, ये ऐसी खुशी का मुँह है जो सालों बाद मिली है कचौड़ी को लेके। चलो एंजॉय करो अपनी कचौड़ी। भैया चौमिन करते हैं ना एक, मिल रहा है। चाट चाट
चौमिन खाऊंगा मैं, कचौड़ी खा ली, लपेटी कचौड़ी खा ली, चौमिन खाऊंगा। डाल देना जरा दोनों दाल थोड़ी लाल वाली में डलवाना, थोड़ी सी लाल डालो। नहीं नहीं लाल नहीं, साइड में डालो, साइड में केचप लगा के थोड़ा खानी है। अरे थोड़ी सी ले ली, पता है इनका मजा आता है खाने में। नहीं मुझे नहीं खानी आती, मजा आता है बहुत सारी है तो ज्यादा है यार, पेट भर जाएगा बहुत, ज्यादा वो तो नहीं लग रही मेरे को, ठीक है ना। दोस्तों ये एग्जीबिशन के बाहर पूरा लगा हुआ है फूड कोर्ट, सारा भीड़ देख रहे हो, ये देखो भीड़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारा यहाँ पे ना फूड कोर्ट लगा हुआ है, वहाँ पे राजस्थानी, ये इधर दिल्ली का है, वहाँ राजस्थान का है, या इधर ये महाराष्ट्र का लगा हुआ है, वहाँ झारखंड का लगा हुआ है, मतलब इन्होंने ना सिस्टम ऐसा कर दिया है, जैसे पहले स्टॉल के अंदर ही जब जैसे इनके खुद के स्टॉल होते थे ना, जैसे राजस्थान गए महाराष्ट्र गए तो उसी तरह का वहीं पे सारा खाने पीने का होता था अरेंजमेंट, अब सारा इन्होंने ना ओपन में कर दिया आउटडोर में। ये देखो यहीं पर सब बैठे हैं खा रहे हैं, भीड़ देखो। अब आए हम हॉल नंबर 8 में, इसी की डिमांड थी चौमिन खानी है, इन सालों को बोलो घर पे आओ मेरे तो बना के दिखा दो चौमिन, चौमिन कैसे बनती है। देख रहे हो तुम मिर्च का चार ले ले, नहीं आ जाओ पापड़ा ढेबला, कुल्फी फलूदा एक ही कराना, हाँ एक ही करा रहा हूँ मैं, अकेले खा लूंगा तुम्हें दूंगा नहीं, तुम देख लेना, देख के खुश हो जाना भाई। देखो 150 रुपए का कितना सारा कुल्फी फलूदा, ये देखो कुछ भी नहीं डाला, बस ये मिला है कितने में, 150 रुपए में, कुछ डाला भी नहीं है, आगे बता दो पर है कैसा स्वाद, अच्छा हो तो कहीं ना कहीं समझ में आता है, कुल्फी का टेस्ट तो सही होगा, ठंडा होगा। अच्छा स्टॉल बनाया काफी इन्होंने यार, बहुत अच्छा स्टॉल बनाया, भीड़ देखो यहाँ पे भाई चिंग्स वालों की, भाई साहब डिशेस बनाना के खिला रहे हैं, हाँ सर्व कर रहे हैं यार वो, देखिए जरा हाँ ये देखो भाई भीड़ देखो इनके स्टॉल पे, पहले आप हट जाओ बीच की दीवार हट जा, भीड़ देखो भाई दोस्तों, अभी तो जितने भी स्टॉल देखे सबसे ज़्यादा भीड़ यही मिली है। अरे यार इसको पता नहीं क्या क्रॉकरी देखने का शौक चढ़ा रहता सारा टाइम, अब घुस गई अंदर लो, देखना कितना सेल हो रहा है ये, इसमें क्या क्या करोगी पता नहीं किस चीज़ का, ना इसमें तुम्हारी चाय बनेगी ना कोई चीज़ ढंग से गर्म होगी, किस काम का है ये,
अरे यार बहुत सारे स्टॉल है, दिखा दिखा के दिमाग खराब हो जाएगा मेरा तो, और आप लोगों का देख देख के हो जाएगा। हाँ क्या क्या दिखाऊँ मैं आप लोगों को बताओ आप। ये है भाई लिखा है इस पे, गेट आपका सिस्टम हमारा। मैं वही तो बोलो, इस पे लिखा हुआ था गेट आपका सिस्टम हमारा। बस ये अपनी फेवरेट जगह पे आ गई है। मसाजे चल रही है यहाँ पर। नहीं नहीं भैया बैठ गया तो फिर मैं बैठे रह जाऊँगा, घर नहीं जा पाऊँगा अपने, थोड़ा अवॉइड करा जाए इन चीज़ों को। भाई बिजनेस डेज पे आज चल रहा है, देखो दोस्तों भीड़ देखो भीड़। और ये मिल रहा है 8 साल पुराना गीजर जो पहले मिला करता था। ये 8 साल पहले मिलती थी चीजें, आज भी वही मिल रही है यहाँ पे। भाई यहाँ पे भी मसाज चल रही है तो बैठ जाओ ना, ले लो मसाज। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं मसाज अगर लेने बैठ गया ना तो मैं उठने वाला नहीं हूँ। हैं जूसर? नहीं यार गला पकड़ लेगा जूस पी लिया तो। अभी ये इन्होंने ना नया गुड लिविंग बना रखा है दोस्तों। भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है। मुझे लगा खाली मिलेगा पर ये तो भरा पड़ा अच्छी तरह से। अभी खा कर रड़े हैं। अरे वो मशीन को दिखा रहे हैं, मशीन को दिखा रहे खाली वो। कहाँ पे? भाई घूम लिया हमने, भाई घूम लिया, भूत उतर गया, अब हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। भीड़ बहुत है यार, बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, पूरा देख लिया, बहुत ज़्यादा। हाँ कोई दबाने वाला भी नहीं है। मालू दबाएगा ना तुम्हारे पैर? मालू दबाएगा नहीं, मालू पैरों पे काटेगा आगे। मालू अपने पैर लेके बैठ जाएगा, मेरी दबाने घर आ गए। आगे कह रही है, कह रही आगे घर 1 घंटे पहुँच जाएंगे एग्जिट। चलो आगे मिलता हूँ मैं आपसे। ये अंदर यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का लगा हुआ है सारा, अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या लगा हुआ है। ये देख रहे हो सारा कॉस्मेटिक्स लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखो मेरा वॉच का कलेक्शन है, इससे बहुत अच्छा सामान है ये सारा। और ये हमने लिए कुशन्स कवर, ये तो सुंदर लग रहे ना, अभी क्रिसमस पे लगाएंगे। दो ये क्रिसमस वाले हैं और दो ग्रे हैं, दो ग्रे लिए घर चल के दिखाएंगे आराम से। अच्छे दोस्तों ट्रेड फेयर से हम निकल गए हैं, अब ये हम एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। फाइनली हमने कुछ ऐसा ले लिया है अपने लिए जो कि अभी आपने देखा ही है, कुशन कवर्स लिए जो हमारे काम में आ जाएंगे। अच्छा था एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया जाके, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे इन्होंने चेंजेस कर दिए पहले से, पहले ऐसा नहीं है, पहले तो इंसान थक जाता था यहाँ पे आने के बाद, मतलब आप एक दिन में घूम ही नहीं सकते थे। एक स्टॉल इतनी, हाँ एक स्टॉल बड़ी दूर दूर बना रखा होता था। अब सिस्टम ऐसा कर दिया है, एक ही बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसी में ही सारे स्टॉल्स बना रखे हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह। हाँ बहुत नीट एंड क्लीन था इस बार तो, सब कुछ अच्छा रहा यहाँ पे आके। आप लोग भी आना, आ सकते हो आराम से, बिल्कुल एक दिन में पूरा एक्सप्लोर कर लोगे। बस स्पोर्ट्स शूज पहन के आना, चलना बहुत पड़ता है। ब्लॉग को हम लोग एंड कर देते हैं, ठीक है, सोचा हमने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, अच्छा रहेगा यहीं पर ही।
अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, विच इज़ अत्री ब्लॉग्स। ओके बाय दोस्तों, बाय।